प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। नैतिक शिक्षा विषय में आज सातवां पाठ हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं जिस देश में हम रहते हैं उस देश की राष्ट्रभाषा क्या है, पता है ना आपको क्या है? तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आज हम इसी विषय पर समझना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, पढ़ाना चाहेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कैसे बनी और आज हमारे देश में इस राष्ट्रभाषा की क्या स्थिति है और हमें इसके लिए क्या करना होगा कि ये राष्ट्रभाषा बनी रहे। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो यह है कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र है, देश है, उस देश के वासियों के लिए आपस में एकता, संगठन और प्रेम, उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने बूझने के लिए किसी न किसी एक भाषा का होना अनिवार्य है। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ, भारत देश, तो हमारे देश के नेताओं ने उसके ऊपर चर्चा की कि इस देश की राष्ट्रभाषा तो होनी ही चाहिए। आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारा देश जब गुलाम था तो किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। और वे इस देश के सारे सत्ता का बागडोर किस भाषा में संभालते थे? अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि वह उनको आती थी। हिंदी उनको समझने में नहीं आती थी। कई जगहों का नाम हिंदी उनको ना समझ पाने के कारण ऐसे ही उन्होंने रख दिया, जैसे सुनने में तो अंग्रेजी सा लगता है पर वो अपभ्रंश रूप में हिंदी का ही वो रूपांतर था। तो भारतवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को बनाए रखने के लिए, भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है, था। इस बात से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए भाषा की होना जरूरी है। इसी पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस पर बहुत चिंतन, मनन और विचार हमारे देश के नेताओं ने किए। और भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतया अपनावें और उसका प्रचार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें, इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। जब हमारे संविधान बन गए तभी विचार भी हो सकता था। अंत में 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय हुआ, यह निश्चय हुआ कि भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और इसका लिपि जो है हिंदी का वो देवनागरी लिपि होगी। ये कब निर्धारित हुआ? 14 सितंबर 1949। इसलिए प्रत्येक साल 14 सितंबर से हम हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह,
मनाते हैं और हिंदी दिवस तो उस दिन मनाते ही मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। बहुत स्कूल वाले नहीं भी मना पा रहे हैं, मनाना चाहिए, पर हर स्कूल में मनाना चाहिए, क्योंकि भारत संघ की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम के लिए बहुत ज़रूरी था। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। सभी इस पक्ष पर एकमत थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती। इसके पश्चात प्रश्न यह उठा, जो बहुत समझने की बात है प्यारे बच्चों, कि हिंदी के किस रूप को स्वीकार किया जाए। ये बात थोड़ी आपको भी सुनने में अटपटी सी लगेगी कि हिंदी के किस रूप को। आप सब अब 8 क्लास में आ गए हैं, मैडम पढ़ाती भी होंगी हिंदी पढ़ाते समय आपको, कि हिंदी में कितने तरह के शब्द आए हैं। उसमें देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये सब शब्द हिंदी में आकर के मिले हुए। हिंदी भाषा सभी भाषाओं को अपने में समेट लेती है। अंग्रेजी हो, स्टेशन शब्द है, उसका हिंदी को जानने की कोशिश ही नहीं करता। साइकिल है, उसका हिंदी क्या हो। ऐसे बहुत सारे शब्द अंग्रेजी का है जिसे स्वयं हिंदी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो इस बात पर चिंतन हुआ कि हिंदी को किस रूप में, अर्थात नए शब्द जब हम हिंदी में हमें लेना पड़े, ज़रूरत पड़े, तो हम कहाँ से लें। इसके लिए मूल बातें कहाँ से जानी जाए, इस विषय पर आपस में चिंतन हुआ, विचार हुआ, और राजनेताओं में आपस में मत भिन्नता शुरू हुई। और ये विवाद थे कि हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया जाए। दो बातें सामने थी कि संस्कृत निष्ठ रूप को या हिंदुस्तानी रूप को। संस्कृत निष्ठ रूप अर्थात तत्सम शब्दों के युक्त हिंदी को स्वीकार किया जाए, या तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के साथ स्वीकार किया जाए हिंदी को। उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि हिंदी के उस स्वरूप को स्वीकार किया जाए जो हिंदुस्तानी रूप है, तद्भव रूप है, देशज और विदेशज शब्द है, नए शब्द इससे लिए जाए। और देश के ज़्यादातर लोग इस पक्ष में थे कि नहीं, तत्सम रूप को ही स्वीकार किया जाए जो संस्कृत निष्ठ रूप। दो उसमें बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, एक तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े नेता थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन जी का मान सम्मान सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा था। इस बात पर दोनों में विवाद हुए और फिर हुआ कि नहीं, आपस में चुना, इसके लिए हम लोग मतदान कर लें। और मतदान हुए संसद भवन में, और संयोग से हिंदी के पक्ष में एक गुरमुख सिंह जी मुसाफिर जो पंजाब के थे, उन्होंने बाद में अपने हाथ को खड़ा करे थे कि नहीं, हिंदी को होना चाहिए, संस्कृत निष्ठ हिंदी को ही हमें सच्चा स्वरूप प्रदान करना चाहिए। और संस्कृत निष्ठ रूप हिंदी एक मत से इसको विजय हासिल हुई, अर्थात इस हुआ कि संस्कृत निष्ठ रूप हिंदी को माना जाए। बाद में
जो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए, उन्होंने इस प्रोपगंडा किया, बेकार की बातें उसमें थापी और मिलाने की कोशिश की, नहीं हिंदी तो इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनती, अंग्रेजी बनती, अगर गुरमुख सिंह मुसाफिर जी अगर हाथ नहीं उठाते। जबकि प्यारे बच्चों, ये तथ्य ही नहीं था कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी पर बने या अंग्रेजी बने। विषय यह थे कि हिंदी को संस्कृत निष्ठ रूप को स्वीकार करनी है हमें या हिंदुस्तानी रूप को, ये मुख्य बातें ये थी। परंतु उसको जो लोग हार गए एक मत से, उन्होंने इस बात को आगे पीछे करके घटा बढ़ा करके अपनी बात को थोपनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी बने या अंग्रेजी, इस बात पर कोई विवाद ही नहीं था। किसी भी नेताओं को इस पक्ष में विपक्ष में कोई भी बात नहीं थी कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बने या अंग्रेजी बने। अंग्रेजी बनने का तो कोई नाम ही लेने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोगों में अंग्रेजी के प्रति उस तरह की आस्था थी ही नहीं, देश में बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते थे। तो बात हुई थी यह कि संस्कृत निष्ठ हिंदी को स्वीकार किया जाए या हिंदुस्तानी जो स्वरूप है उसको। इस बात पर सहमति बनाई गई थी कि संस्कृत निष्ठ रूप को स्वीकार किया जाए। उसमें संयोग से उस समय दोनों तरफ में बराबर वोट पड़े और बाद में एक आदमी गुरमुख सिंह जी मुसाफिर, उन्होंने बाद में अपना हाथ खड़ा किया था, इसलिए एक वोट से संस्कृत निष्ठ हिंदी विजयी हुई। और उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी तो बन गई, किंतु जो लोगों की बात अर्थात जवाहरलाल जी नेहरू की बात जो नहीं मानी गई, तो उनके मन में खुंदस आ गई और उन्होंने स्वयं भी, उनको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी, इसलिए सारी पढ़ाई उनकी बाहर में हुई थी, भारत से बाहर में रह करके। इस कारण से उन्होंने अपने कांग्रेस के सदस्यों को यह मनाने की कोशिश की कि जैसे अभी हमारे देश की सत्ता व्यवस्था चल रही है अर्थात अंग्रेजी में चल रही है, इस विवाद में हम लोग ना पड़ें और वैसे ही चलने दिया जाए और वैसे ही हमारे देश की व्यवस्था आगे चलते रहने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भी लाया और 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को छूट देने के लिए वो राजी कराने लगे सभी नेताओं को, कांग्रेस के सभी नेताओं को। राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में हम अंग्रेजी को 15 साल के लिए छूट नहीं देंगे, अभी इसको हटाया जाए, हमारे देश के सभी कार्यक्रमों को, सारे लेख जितने भी कार्यालय हैं सभी की भाषा को हिंदी में बनाई जाए। नेहरू जी बहुत परेशान थे, उनको लगा कि बनाना बहुत कठिन है पुरुषोत्तम दास जी टंडन को। उन्होंने कांग्रेस के ही दो प्रसिद्ध नेता बाल कृष्ण शर्मा नवीन और सेठ गोविंद दास जी को नेहरू जी ने निवेदन करके टंडन जी के पास भेजा और दोनों जाकर के उनके पैर पकड़ लिए, कहे कि प्राइम मिनिस्टर हैं भी, मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं नेहरू जी, आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, आप उनकी बातों को मान जाइए।
और ये दोनों नेताओं ने जो उनके भी अभिन्न मित्रों में से थे उनसे निवेदन किया और राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने इस बात को भारी मन से स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह इन दोनों नेताओं से कहे थे कि 15 साल तक तो मैं जीवित नहीं रहूँगा और मुझे विश्वास है कि ये धोखेबाज जो नेहरू है, ऐसे शब्दों का, कड़वे शब्दों का प्रयोग किया था, ये हिंदी को फिर भी हमारे देश का राष्ट्रभाषा बनने में कोई न कोई अड़चन डालेगा और विघ्न बाधा डालेगा। और फिर भी इन दोनों नेताओं के कहने पर उन्होंने बात मान ली और ये 15 वर्ष 1965 में पूरे हो गए। किंतु 65 से पहले ही में ही नेहरू जी ने लोकसभा में ये विधेयक डाल करके पास कराने की कोशिश की कि आगे भी अंग्रेजी को हम लोग इसी तरह से जैसे पहले से अंग्रेजी में काम हो रहे थे उसी तरह से काम किए जाए। उस 10 वर्षों में ही लगभग 11 वर्ष ये दो नेता जो थे, राजर्षि टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों ही स्वर्गवासी हो गए, संसार से चल बसे। अकेले सेठ गोविंद दास जी जीवित थे। 1960 में जब नेहरू जी सचेतक जब सभा में लाए इस बात को कि अंग्रेजी को आगे बने रहने दिए जाए, और उसके लिए सारे कांग्रेस कमेटी के जितने भी सदस्य थे लोकसभा में उनके लिए सचेतक भी जारी कर दिए कि सबको इसी प्रस्ताव में वोट करना है, अपने मतदान करना है कि नहीं अंग्रेजी को ही बने रहने दिया जाए। और प्यारे बच्चों, अकेले सेठ गोविंद दास जी को इससे बरी मिली क्योंकि वो उस समय विरोध करने वालों में से थे। उन्होंने इसका डटकर मुकाबला भी किया संसद भवन में, परंतु जो आशंका थी राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन को वही हुआ और इनके अकेले विरोध करने से भी कुछ लाभ नहीं मिला और अंग्रेजी जहाँ थी जिस रूप में थी उसी रूप में आगे बढ़ी। और प्यारे बच्चों, देश की आज़ादी का आज इतने साल हो गए, अभी तक उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी भी पूर्ण रूप से हिंदी पूरे भारतवर्ष में जिसकी यह अधिकारिणी है, राष्ट्रभाषा की पूरे देश में जो सब लोग इसको जाने, अभी भी इसे स्वीकार करने, सारे देश के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अलग अलग क्षेत्रज अलग अलग तरह की बातें आ रही है समाज में, सब लोग कह रहे हैं कि ये मातृ ये राष्ट्रभाषा बने, ये राष्ट्रभाषा बने। हमारे एक देश के बहुत बड़े विद्वान थे पंडित राहुल शंकरतायन, उन्होंने प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया था कि पूरे भारत का दौरा करके सब मठ मंदिरों का, साधुओं का, अखाड़ों का हिसाब किताब देख करके कि आज से हजारों साल पहले भी हमारे देश में जो काम होते थे वो सब काम हिंदी भाषा में होते थे और किसी भाषा में नहीं होते थे। हमारे संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी, जो सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता को स्वप्न संजोए हुए थे, वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरुजी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जयघोष प्रदान किया। वो सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतह। आज भी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 10वें ग्रंथ जो केवल एक जफरनामा को छोड़कर के वो सब हिंदी में ही लिखी थी, हिंदी में ही वो सब बनाया था। प्यारे बच्चों, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिनके नाम पर DAV संस्थाएं चल रही हैं, यद्यपि वह गुजराती थी, उनकी भाषा गुजराती थी,
वो संस्कृत में भाषण करते थे सर्वत्र, वो हिंदी को आर्य भाषा कहा करते थे। जब वो कलकत्ता में गए प्रचार कर रहे थे, संस्कृत निष्ठ संस्कृत में ही प्रचार हो रहा था, वहीं के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता केशव चंद सेन जी ने उनसे निवेदन किया कि स्वामी जी, अगर आप अपनी बात को हिंदी में कहें तो ज़्यादा लोग सुनेगा और ज़्यादा उसका लाभ मिल सकता है समाज को, राष्ट्र को। उन्होंने स्वयं स्वामी दयानंद जी ने ब्रह्म समाज के नेता पंडित केशव चंद सेन जी की बातों को स्वीकार कर लिया और अपनी भाषण उन्होंने हिंदी में उसी दिन से देना शुरू कर दिया। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश है, संस्कार विधि है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, जो बहुत ही प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है, उस पुस्तकों को उन्होंने संस्कृत और हिंदी में लिखी। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर के प्यारे बच्चों समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हों तो हमारा लोक और हमारा लोकतंत्र गूंगा ना रहे, हम दूसरों देशों की ज्ञान की जूठन को ही अपना सब कुछ न समझते रहें तो हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना दूसरा कोई भी चारा नहीं है। और इसके साथ ही इसकी छोटी बड़ी बहनों को जो मैथिली है, बज्जिका है, मगही है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सब भाषाओं को भी जाने, परंतु जब तक ये अंग्रेजी की जो महारानी बैठी रहेगी हमारे देश के सत्ताओं में तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए हमें अंग्रेजी हटाओ स्वदेशी भाषाएं अपनाओ ये भावना जन जन के हृदय में डालनी होगी। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। भारत के आज़ाद होने पर बीबीसी लंदन वाले जब महात्मा गांधी के संदेश लेने के लिए आए तो महात्मा गांधी ने अपना संदेश देने से मना कर दिया, इसलिए कि उस समय बीबीसी लंदन से केवल अंग्रेजी में समाचार पत्रों का समाचार सुनाए जाते थे, हिंदी में नहीं। यह कहकर के लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी को अंग्रेजी भी आती है, अर्थात गांधी अंग्रेजी अब नहीं जानता। गांधी जी कहा करते थे कि यदि मेरे देश में मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा दिया जाना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषा अपनाने को मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उनको बर्खास्त कर देता, मैं पाठ पुस्तकों को तैयार होने का भी इंतजार नहीं। ये माँ गांधी कहते थे। विद्वत शिरोमणि श्री रघुवीर जी की मान्यता थी कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा तब तक भारतीय जनता एवं भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ पाएगी। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि मेरा यह सुनिश्चित मंत है कि विदेशी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी को अनिवार्य रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के भी प्रतिकूल है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया तो बड़े कड़वे शब्द में कहते थे कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अंग्रेजी के ज्ञान पर लजाए नहीं बल्कि घमंड करें, इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे। प्यारे बच्चों, आज कहने के लिए हिंदी तो राष्ट्रभाषा है किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रही जिसकी वह अधिकार नहीं है। ये सब आपको करना है। हिंदी भारतीयों की भावना, भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है, जैसे आपके शरीर में आत्मा है जो देखती है, चलती है, बोलती है, हंसती है, वही हमारे देश की आत्मा अगर हम हिंदी को छोड़ करके अगर बात करें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है।
अभ्यास मैं करके भेजूंगा। आपको क्या करना है कि इस से कम 15 MCQ बनाना है आपको, 15 प्रश्न आपको निर्माण करना है। किसका, किसके लिए? MCQ जिसका बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर, ऐसे बनाइए। और साथ ही 10 हिंदी के कवियों का नाम लिखिए और उनके ग्रंथ का भी नाम लिखिए, तभी ना आप पढ़ेंगे। 10 हिंदी के कवियों का नाम लिखिए और उनके ग्रंथों का भी नाम लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से रखिए, रहिए और पढ़िए।